लगातार भारी बारिश के कारण बदल गया इंडिया वर्सेस पाक मुकाबले का समय। अब इतने बजे से शुरू होगा मैच, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से भारत पाकिस्तान मुकाबले का मैच यहां पर दोस्तों टाइमिंग बदल गई है बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले की पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों हाल ही में यहां पर दोस्तों 30 अगस्त को एशिया कप की स्टार्टिंग हुई। एशिया कप का पहला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के बीच खेला गया, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने 238 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं एशिया कप के तीसरे मुकाबले पर, जो कि खेला जाएगा 2 सितंबर के दिन और यह मुकाबला पालाकेले में खेला जाएगा। ऐसे में इस मुकाबले में टीम इंडिया को यहां पर दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है। भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत कर अपने नाम करना चाहेगी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला इसलिए भी बड़ा होने वाला है क्योंकि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो टीम इंडिया निश्चित तौर पर यहां पर एशिया कप में एक बड़ा बढ़त बना लेगी। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले से पहले ही अगर हम मौसम विभाग की माने तो इस मुकाबले में 100% बारिश के आसार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों पालाकेले मैदान पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे भारतीय टीम के मैचेस में यहां पर दोस्तों काफी बड़ा इफेक्ट आया है। अगर दोस्तों बात करें इस मुकाबले की तो भारतीय टीम का मुकाबला तो यहां पर दोस्तों जल्दी 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन अगर भारी बारिश होती है तो मैच के टाइम को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मैच के टाइमिंग को यहां पर दोस्तों 5 बजे भी किया जा सकता है क्योंकि 3 बजे बारिश की संख्या ज्यादा है, लेकिन 5 बजे मौसम विभाग ऐसा बता रहा है कि बारिश की संख्या कम है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो कौन जीतेगा मुकाबला, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।